और अब खबर बाड़मेर के बालोतरा से है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भाटी के खिलाफ पचपदरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी की धारा 147, 186, 188 और 283 के तहत मामला दर्ज हुआ है। रविंद्र सिंह भाटी सहित 32 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 800 से लेकर 900 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। भाटी ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था और इसी मामले को लेकर रविंद्र सिंह भाटी सहित उनके कई समर्थकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उधर झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे में देर रात पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ। एक युवक के सिर पर हथौड़ा से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी रिश्ते में मृतक का मामा लगता है। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि आरोपी ने पास ही गन्ने के रस की दुकान पर रखे हथौड़े को उठाकर युवक के सर पर वार कर दिया, जिसके बाद सिर पर गंभीर चोट आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ में जुटी है। और करौली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। सपोटरा में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता हेमेंद्र कुमार मीणा को निलंबित किया गया। कार्यों में लापरवाही और मशीनरी का प्रयोग करने पर निलंबित किया गया है। प्रभारी सचिव के निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिली थी। निलंबन काल के दौरान करौली जिला परिषद मुख्यालय रहेगा। तो जिला समन्वयक और कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। निलंबन काल के दौरान करौली जिला परिषद मुख्यालय रहेगा और बताया जा रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा था और कार्यों में लापरवाही भी मिली थी, जिसके चलते कार्रवाई की गई। तो वहीं अलवर के शिवाजी पार्क थाने में एक लुटेरी दुल्हन और उसकी गैंग के लोगों के खिलाफ शादी करने के बाद नकदी और जेवरात लेकर दुल्हन के फरार होने का मामला दर्ज हुआ। दुल्हन शादी के बाद पीहर गई थी, उसके बाद वापस लौटने से इनकार कर दिया। पीड़ित युवक जब दुल्हन को लेने गया तो उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी देकर वापस लौटा दिया और इसके बाद अब लुटेरी दुल्हन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जयपुर से स्वाइन फ्लू के मामले 1000 के पार जा चुके हैं, जो बेहद परेशान करने वाले आंकड़े हैं। 4 महीने में 1002 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 517 केस मिले हैं स्वाइन फ्लू के, तो जयपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे ज्यादा आंकड़े राजधानी जयपुर से सामने आए हैं। स्वाइन फ्लू से अब तक 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है और माना जा रहा है कि आगे ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में आप सभी एहतियात बरतें। तो उदयपुर में 135 केस सामने आ चुके हैं। एक एक कर ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां पर जयपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। पिछले 4 महीने में ही 1002 मामले स्वाइन फ्लू के सामने आ चुके हैं। तो वहीं अलवर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, जहां पर अज्ञात चोरों ने एक बार फिर से सोने मकान को निशाना बना दिया। चोरों ने एक मकान का ताला तोड़ा, 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए की नकद लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित मकान मालिक अपने रिश्तेदारी में आयोजित एक जागरण कार्यक्रम में शामिल होने गया था। चोरों ने अलग अलग कमरों में रखी अलमारियों का ताला तोड़ा, घर में अलग अलग जगहों पर रखे लगभग 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। उधर खैर